यह जो जगह है डीएमसीएच है, बहुत ही संगीन मामला सामने आया है। पुलिस के गार्ड से जो कि बैंक में ड्यूटी करता था, उस गार्ड के बंदूक से आज बेरहम औरत को बेरहमी से गोली मार दिया गया है, जिसके कमर में गोली लगी है। उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। यहाँ पे उनके गांव के लोग मौजूद हैं, कई औरतें हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और खासकर गांव के सरपंच भी यहाँ पे आए हैं। सरपंच जो कि काफी एक्टिव है, नव निर्माणित सरपंच है फैया साहब, बहादुरपुर प्रखंड बहादुरपुर ब्लॉक के प्रेम जीवन पंचायत से ये सरपंच चुने गए हैं और अभी ड्यूटी आए भी हैं ये गांव वाले को हालचाल पता करने। तो हम जानते हैं आज क्या घटना हुआ जिसकी वजह से इन सभी को डीएमसीएच आना पड़ा है। सैकड़ों लोगों की भीड़ भी है यहाँ पे। तो हम जानते हैं पूरा घटना क्या है। निकाला है, कर रहा था, उसी में का गोली चला। हम एक गाड़ी पर अपनी गाड़ी पर बैठे हुए। अरे प्राइवेट कार, हाँ प्राइवेट कार, प्राइवेट कार, बोलिए प्राइवेट कार। गोली चला, हमको तो लगा कि हम ही को लगा, लेकिन भगवान की दया हम पर जो है आगे गोली भाग गया। हमारा नाम संजय कुमार वर्मा हुआ। फैसले हम यहीं पर गाड़ी पर बैठे हुए थे भाई, यहीं पर निकाला है। क्या नाम हुआ आपका? नाम घर कहाँ है? देवीपति। क्या घटना हुआ है आज? सर हम आ रहे थे उधर से ना, तो गोली चला दिया। वो गोली चला दिया जी? कौन गोली चला दिया? कार्ड वाला है, एटीएम कार्ड वाला का। एटीएम कार्ड वाला कहाँ पे गोली चलाया? बैंक के सामने बिल्कुल। कौन से बैंक की? स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने लहरिया सराय के पास जी। अच्छा, कोर्ट के जो बगल में एसबीआई वाला ब्रांच है, ठीक है। कितने लोग साथ में थे उनके? साथ में तो बहुत आ रहे, हम भी थे, बहुत वो लेके आया जो गोली लगाया, वो भी आया गाड़ी पर लेके यहाँ। अच्छा, क्या कराने गए थे आप लोग एसबीआई के पास? हम आ रहे थे उधर, सब्जी लाते हैं उधर का, हम ठेला भी ठीक करा लेंगे। वहाँ से हम आ रहे थे, सीधे जा रहे थे गुदरी, और बीच में कांड हो गया। अच्छा, बीच में कांड हो गया, वहीं पे है। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद अंजुर नदाब। आप जो हैं, जो महिला को गोली लगी उनका क्या नाम था? असमोती खातून। और आप उनके कौन लगे हैं? हमारा पत्नी है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अंजुर नदाब। कहाँ रहने वाले हैं आप? देवीपति। अच्छा, ये जो घटना हुआ क्या गलती से गोली लगी थी? वो गोली ऐसे करके वो बटन टिपला ऐसे कर। अच्छा, जान मारा। अच्छा, ऐसे करके गोली चला है? ट्राई करता तो ऊपर करता कि ऐसे करके टिप्पा। ये आपने अपने आँख से देखा है? हम देखे, हम करे साला कहीं हमको मिले, आगे दूर गए तो ऊपर में टिप दिया। ओ हो हो, ठीक है। ये जो पूरा घटना है कैसे क्या हुआ बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। अपना जो हो गया तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो इसको सुइया दवा थोड़ा बहुत चला है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड में किया है, और कोई देखभाल कुछ नहीं होता है। जब जाते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में बोलने के लिए, तो कहा नहीं आया है यहाँ अल्ट्रासाउंड, जाओ यहाँ से, जाइए जाइए यहाँ से। वो कोई बोलता है कि जाइए आप, मैं आप गोली निकलवाइए, सब के मार रहा है, तो हम कैसे क्या करें? कोई गार्ड की गोली निकालेगा? कोई गार्ड यहाँ पर का है, जिसको यहाँ का गांव। या साहब, ये घटना हुआ है आज दरभंगा में, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? घटना जो घटी है, हम लोगों को ये साढ़े दस बजे पता है, साढ़े दस बजे ये घटना घटी है जी। अभी पौने चार होने जा रहा है जी। पेशेंट को वहाँ से उठा, घटना जिस वजह से भी हो वो तो जांच का विषय है, प्रशासन के हाथ में है। लेकिन अभी देख लीजिए, डॉक्टर पेशेंट को छोड़ करके वो दूसरे कामों में लगे हैं, परेशान है पेशेंट। अभी उनको उठा करके खुद प्राइवेट से ले जाया गया है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। वो जो गार्ड था उसको पुलिस ले गई। इन बेचारों के पास ना तो पैसा है, ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी पैसा नहीं है। लोगों ने मदद किया है इनका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, दवा के लिए, इंजेक्शन के लिए, उसके बावजूद जो कि सरकारी एक इस पे है वो गार्ड सरकार की तरफ से रखा गया, पता नहीं, सुन रहा हूँ कि वो प्राइवेट गार्ड है। अब जिस वजह से भी हो, लेकिन इन गरीबों का क्या कसूर है इसमें जो इनको परेशान किया जा रहा है? ना डॉक्टर मौजूद है, ना प्रशासन मौजूद है यहाँ पे, पेशेंट को ला करके छोड़ दिया गया है। आप बताइए किस इस हालत में कैसे छोड़ा है उन्होंने? कोई अभी तक उसका इलाज नहीं हुआ है, एक दो इंजेक्शन शायद उसको पड़ा है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं हुआ है। अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, एक्सरे के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, इनके पास पैसा है नहीं। प्रशासन इस पर कहाँ खोई हुई है? हम तो चाहेंगे भाई कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, आप लोग इस पर भी मदद कीजिए और गरीबों को इंसाफ मिले।
जो मुआवजा बनता है मुआवजा बने, उससे पहले इनका इलाज हो जाए। पहला तो है कि सबसे पहले इलाज हो जाए इनका। सारे लोग, इनके रिश्तेदार, गांव वाले, हम लोग सारे लोग परेशान हैं। कोई पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ असल हो क्या रहा है, इलाज भी होगा या नहीं होगा। कहाँ है एडमिट? डीएमसीएच। अभी तक डीएमसीएच, डीएमसीएच पे। अभी उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाइए, अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाने के लिए भेजा है उनको। ठीक है, ये गोली जो लगी, क्या सूचना मिली है इसकी, किस वजह से, कैसे गोली चल गई वहाँ पर? गोली की कोई सूचना नहीं मिली। ये बेचारे हैं, गरीब आदमी, सब्जी बेचते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी उनसे ही पूरा होता है इनका, सब्जी बेच करके। वो जा रहे थे वहाँ से, क्रॉस कर रहे थे, पीछे से अचानक इनको गोली लगी, इनकी वाइफ को, जो ठेले पे मौजूद थी वो। अब तो ये प्रशासन बताए कि कैसे गोली लग गई, वो क्यों मार दी है उनको गोली। हो सकता है भीड़ हटाने की वजह से वो गोली मार दी हो। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज आलम, मैं उसी पंचायत के सरपंच हूँ। और ये जानकारी मिली मुझे, मैं घटनास्थल पे नहीं पहुँच सका, लेकिन डीएमसीएच आया हूँ मैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? हसमती खातून। घर कहाँ है? बेडी पट्टी सकरी। ठीक है, कौन सा पंचायत है? प्रेम जीवर। प्रेम जीवर। अच्छा, ये जो घटना हुआ कितने बजे का है? 10 बजे के लगभग। क्या कर रही थी आप पुलिस लाइन एसबीआई बैंक के पास? घर से सर आ रहे थे, बेटी का सामान किनने के लिए बाजार ही आ रहे थे जी। बस पीछे से ठोक दिया। पीछे से ठोक दिया। तो ये जो घटना हुआ, आप किस लिए आई हुई थी वहाँ पे? वहाँ पे आए थे कि पैसा कुछ छुड़ाना था, जाते बेटी को सामान सब किनना, दहेज की आगे महीना बेटी की शादी करना था, तो सामान लाने जाते हैं, ताले में हमको गोली लगा दिया। आप देखी थी गोली चलाते हुए उसको? हम जो आगे आए ना ठेला लेके, तो देखे वो टिप टाप कर रहा, ताले हम आगे बढ़ गए, बस थोड़े सा आगे बढ़े कि हमको टिप दिया, उसी में लग गया आपके। गोली कहाँ पर लगी आपको? पीछे कमर में, कमर के पास। ठीक है, अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इलाज में, कुछ कठिनाई, कुछ दिक्कत? अभी ठीक है, थोड़ा कमर में दर्द होता है। अच्छा, कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है।